हेलो दोस्तों, बॉस ऑफ इंडिया शेयर बाजार में आपका एक बार फिर से स्वागत है। एंड इस वीडियो में बात करने वाले हैं हम एक ब्रेकआउट शेयर की भी। तो ब्रेकआउट किस शेयर में है? देखिए, आईटी स्टॉक है और बहुत फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग स्टॉक है, निफ्टी 50 का स्टॉक है। विन विन सिचुएशन है, मतलब नीचे गया तो और बाय ऑन डिप्स कर सकते हैं। 900 रुपये के लेवल पर था तब मैंने आपको बताया था कि बाई करिए, और बहुत अच्छा चार्ट पैटर्न इसमें कप विद हैंडल पैटर्न यहाँ बनता हुआ नजर आ रहा है। तो उस वीडियो को देखिए लास्ट तक, उस और आपको पता चल जाएगी SCL टेक्नोलॉजी से रिलेटेड बातें कर रहा हूँ। तो वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा, क्योंकि कुछ बातें ऐसी बताऊंगा जो कि आपको शायद नहीं पता है, जिस वजह से यहाँ पर आप अगर हम बात करें उलझन हो रही है और वो शेयर गिरता हुआ नजर आया और बहुत करेक्ट हुआ। मैंने उसे 900 के लेवल पर भी खरीदा, ऊपर लेवल पर भी खरीद रखा था, स्क्वेयर ऑफ किया, इन द सेंस मैंने बाय ऑन डिप्स करके एक एवरेज किया। तो आइए वीडियो की तरफ चलते हैं, बट बिफोर द वीडियो में आगे बढ़े आपसे रिक्वेस्ट करूँगा, आप हमारे चैनल बॉस ऑफ इंडिया शेयर बाजार को सब्सक्राइब करें, शेयर करें फैमिली फ्रेंड्स के साथ, एज वेल एज अगर आप नए हैं शेयर बाजार में तो यहाँ पर प्ले लिस्ट में मैंने एक प्ले लिस्ट बना रखी है, इस यहाँ पर क्लिक करें, उन वीडियो को देखिए तो आपको एक बेसिक ऑफ स्टॉक मार्केट क्या होता है पता चल जाएगा। नीचे से देखना शुरू करिएगा तो आपको एक आइडिया लग जाएगा। एज वेल एज आज की डेट में 2 वीडियो आ चुके हैं यहाँ पर, ब्रेकिंग न्यूज एंड स्टॉक फटाफट, बहुत सारे स्टॉक से रिलेटेड यहाँ पर बातें करी है। एज वेल एज अंबर इंटरप्राइजेस क्यों गिरा है, एक अपॉर्चुनिटी है, 1 घंटे में लास्ट में 45,000 शेयर उठाए गए, तो इसे देख लिया जाएगा। एज वेल एज अगर हम बात करें, नीचे डिस्क्रिप्शन में बहुत सारे लिंक है, फ्री में डीमैट अकाउंट ओपन करा सकते हैं, कोई चार्जेस नहीं लगेगा, तो देख लीजिएगा। तो आइए वीडियो की तरफ। तो हम बात कर रहे हैं SCL टेक्नोलॉजी। SCL टेक्नोलॉजी की अगर हम बात करते हैं, यहाँ पर आज भी देखिए पॉजिटिव 8 रुपये का यहाँ पर अपसाइड सीधा दिखाई दे रहा है। बट अगर हम बात करते हैं 1 महीने की, तो 1 महीने पहले जब इसके रिजल्ट आए थे तो ये 1,050 रुपीज़ तक जा के ओके, इसका बार बार लेवल यही 1,062 1,052, ये पिछले 5 से 6 महीने में इसी रेंज में खेलता हुआ नजर आ रहा है। ओके, बट ये रेंज इसकी अब की बार टूटने वाली है, अब क्या ऊपर जाता हुआ साफ दिखाई दे रहा है। और अगर हम बात करें यहाँ पर ये शेयर की, तो यहाँ पर आप देखिए ये 11% का डाउन अभी भी ये शेयर है, और मैं आपको बताना चाहता हूँ बेहतरीन मौका है यहाँ पर एक्युमुलेट करने का। और ये शेयर ने अपने रिजल्ट काफ़ी अच्छे रिजल्ट पेश करे हैं, देखने का नजरिया है कि आप किस तरीके से देखते हैं। बट 1 साल की भी बात करें तो 1 साल में भी अच्छे खासे यहाँ पर रिटर्न दिए हैं। मैक्स एंड चार्ट पैटर्न यहाँ देखिए, देखिए यहाँ पर अटकने का भी सवाल नहीं है। कल के रेट में और नीचे आ जाता है, आप बाय ऑन डिप्स कर सकते हैं, क्योंकि हमें पता है ये शेयर नीचे गिरेगा तो फिर ऊपर जाएगा, उतनी तेजी से नीचे ऊपर की तरफ जाता हुआ दिखाई देगा। तो SCL टेक्नोलॉजी काफ़ी बेहतरीन स्टॉक है। एज वेल एज बात करते हैं आज की डेट में, तो यहाँ देख सकते हैं 52 वीक हाई 13 जैन को बनाया था, 1067 का, 516 रुपये का लास्ट ईयर यहाँ पर स्टॉक नजर आ रहा था 1 साल पहले। एज वेल एज आज की डेट में 29,17,000 शेयर, 60% यहाँ पर डिलीवरीज उठाई गई है। कंपनी इन्फॉर्मेशन की बात करें तो यहाँ पर अगर हम देखते हैं कुछ चीज़ें, तो यहाँ पर देखिए कंपनी ने डिविडेंड भी देता हुआ नजर आया था, 6 रुपये का यहाँ पर डिविडेंड है। ओके, यहाँ पर बीच में कंपनी मतलब बोनस और उसकी बात की जाए तो अगर मैं आपको वो दिखा दूंगा बोनस, तो कंपनी ने काफ़ी बार बोनस दिया है, काफ़ी बार स्प्लिट दिया है, ऐसी छोटी मोटी कंपनी नहीं है। और ये कंपनी अपने एम्प्लॉयज़ के बारे में सोचती है, और जो कंपनी अपने एम्प्लॉयज़ के बारे में सोचती है ना, वो हमेशा ऊपर की तरफ ही जाती है, हमेशा याद रखिएगा इस चीज़ को। एज वेल एज अगर हम आप यहाँ देखेंगे, तो यहाँ पर अगर मैं आपको बोनस देखना चाहते हैं तो यहाँ पर देखिए, यहाँ टाइप कर लीजिए आप, एक मिनट, यहाँ पर SCL टेक बैलेंस शीट यहाँ पर डाल दीजिए, सिंपल यहाँ पर आपने डाल दिया बैलेंस शीट। ओके, यहाँ पर ऑल पे आ गए, तो यहाँ पर आप क्लिक करेंगे तो यहाँ मनी कंट्रोल की वेबसाइट पे आपको ले जाएगा। एज वेल एज यहाँ पर अगर बात करूँ, यहाँ कॉर्पोरेट एक्शन पे जाइएगा, तो यहाँ पर नीचे कॉर्पोरेट एक्शन में जाइए तो यहाँ पर इनको बैलेंस शीट का यहाँ पर आपको ऑप्शन नज़र आ जाएगा। यहाँ पर अगर हम बात करें, यहाँ पर आपको डिविडेंड वर्क बोनस और यहाँ पर कॉर्पोरेट एक्शन जो भी हुआ है वो नज़र आ जाएगा। 3 बार कंपनी 2007 2015 2019 में यहाँ पर 1:1 का यहाँ पर बोनस दिया है, तो इस कंपनी की तरफ ध्यान दीजिए। स्प्लिट की बात करें तो कंपनी ने 2000 में एक बार स्प्लिट भी दिया है, 2 का फेस वैल्यू है, फिर दोबारा एक बार स्प्लिट कभी भी हो सकता है। ओके, 1 के फेस स्प्लिट पे, तो काफ़ी सारी कंपनी 1 के स्प्लिट पे चल रही है, तो इसलिए यहाँ पर देखिए। एज वेल एज बात करें यहाँ पर इसकी बैलेंस शीट की, देखिए यहाँ पर मार्केट कैप 2,53,000 का है, मतलब लार्ज कैप कंपनी है। एज वेल एज 2% का डेट है ना के बराबर, प्लेजिंग की बात करें 0% की प्लेजिंग है, ROC की बात करें 30% की ROC से कंपनी चलती है, और मैंने हमेशा बताया 30% से ROC पे मतलब 30% का कोई आपको इस तरीके का रिटर्न देता है, 10 लाख लगा दीजिए 20 साल में 100 करोड़ रुपये होते हैं। सेल्स की बात करें तो यहाँ पर आप देख सकते हैं हाइएस्ट एवर सेल्स है। ओके, लगभग पिछले दो
क्वार्टर में, एज वेल एज बात करते हैं नेट प्रॉफिट में। यहाँ पर नेट प्रॉफिट भी अच्छा खासा है, यहाँ पर अच्छा खासा नेट प्रॉफिट होता हुआ। अब कई लोग कॉन्फ्लिक्ट करेंगे कि यहाँ पर कम होता है। देखिए, वन टाइम बोनस कंपनी ने अनाउंस किया था ओके अपने एम्प्लॉयज़ के लिए 750 और 700 करोड़ रुपीज़ के आसपास का, तो वहाँ इस वजह से यहाँ पर गिरावट होती दिखाई दी यहाँ पर। बट स्टिल बात करें यहाँ पर थोड़े से एक्सपेंसिस यहाँ पर कंपनी ने ज़्यादा एम्प्लॉयज़ के लिए करते हुए वैक्सीनेशन से रिलेटेड यहाँ पर ये सारी चीज़ें होती हुई दिखाई दी थी, इस वजह से यहाँ पर ये प्रॉफिट कम होता हुआ दिखाई दिया। वरना कोई भी कमी नहीं है इसके बिजनेस में, किसी भी तरीके की कमी नहीं है इसकी बैलेंस शीट में। यहाँ पर देख सकते हैं हाईएस्ट एवर, पिछले जितने भी साल हुए 10-11 साल में यहाँ पर हाईएस्ट एवर में 7 times यहाँ पर कंपनी ने ग्रो किया है ओके। यहाँ पर नेट प्रॉफिट यहाँ पर ऑल टाइम हाई पे ही चल रहा है, हाईएस्ट एवर। रिजर्व्स कंपनी के पास 43,000 करोड़ के तो रिजर्व्स हैं, 925 करोड़ की बोरोइंग है, एज वेल एज इन्वेस्टमेंट 11,000 करोड़ का यहाँ इन्वेस्टमेंट है। कंपनी आपके आप कैपिटल एक्सपेंडिचर में भी खर्च करती हुई नजर आती है, फिक्स एसेट है कंपनी के पास। कैश इक्विवेलेंट कंपनी के पास अच्छा खासा है, एज वेल एज अगर बात करें कैश फ्लो कंपनी के पास अच्छा खासा है, एज वेल एज प्रोमोटर्स की होल्डिंग की बात करें 60% की प्रोमोटर्स की होल्डिंग, FIs की बात करें 24% की होल्डिंग है ओके। FIs की 10% 11% DIIs है, और पब्लिक की बात करें पब्लिक के पास ना के बराबर होल्डिंग है 5% की होल्डिंग होती कितनी है, मतलब रिटेल इन्वेस्टर्स को बड़ी बड़ी कंपनियां FIs DIIs मौका ही नहीं देते कि ऐसी कंपनी को आप लोग खरीदिए। क्यों? क्योंकि उन्हें पता है पैसा वही लोग कमाते हैं बड़े, तो इसलिए ऐसी कंपनी को खरीदते रहिए, पोर्टफोलियो में ऐड करिए, एक एक शेयर ही खरीदते रहिए, 20 साल बाद देखेंगे तो अच्छा खासा पैसा आपका बढ़ता हुआ नजर आएगा। एज वेल एज बात कर लेते हैं यहाँ पर एससीएल टेक में, देखिए कब विद हैंडल पैटर्न बनता हुआ दिखाई दे रहा है। मैं यहाँ पर ड्राइंग इसकी रिमूव कर देता हूँ। तो अगर हम यहाँ पर देखते हैं तो ये देखिए यहाँ पर ये शेयर यहाँ पर इसने एक सपोर्टिंग जोन ऊपर बना रखा है बार बार, एज वेल एज अगर नीचे की बात करें तो नीचे भी यहाँ पर ये शेयर इसी रेंज में चलता हुआ नज़र आ रहा है, 895-900 पे बार बार यहाँ पर टच करता हुआ नज़र आ रहा है। तो एक सपोर्टिंग जोन इसका रेजिस्टेंस जिसे कहते हैं यहाँ पर नज़र आ रहा है। और अगर हम बात करते हैं यहाँ पर एक चार्ट पैटर्न की, तो यहाँ पर अगर हम देखते हैं ओके यहाँ पर देखिए एक यहाँ पर एक कब बनता हुआ नज़र आ रहा है ओके, और यहाँ पर हो रहा है यहाँ से यहाँ पर एक बन रहा है हैंडल ओके, और जो कि इस लेवल को इस बार अगर 3 महीने का चार्ट टाइम दे दिया ना तो दोबारा तोड़ता हुआ नजर आएगा। और एक बार इसे तोड़ दिया तो याद रखिएगा आपको गेन क्या मिलेंगे, तो आपको गेन मिलेंगे ये जो इसका डीप से यहाँ पर उठा के यहाँ पर लगभग 18% और 18% को हमने यहाँ पर टॉप पर रख दिया ओके। तो यहाँ पर देखिए तो यहाँ पर अगर हम देखते हैं ये कितना जा रहा है, तो ये शेयर लगभग 1200 रुपये के आसपास जाता हुआ हमें साफ नज़र आ रहा है। और यहाँ से जो अभी करंट प्राइस है इसका, उससे भी अगर हम बात कर लेते हैं, ये सुझाया तो मैंने आपको 9% पे जब ये शेयर था तब भी बता दिया था कि 900 रुपये पे शेयर था कि इसे खरीद लीजिए, कुछ भी नहीं है इसमें। वन टाइम यहाँ पर उन्होंने बोनस दिया था अपने एम्प्लॉयज़ को, इस वजह से थोड़ी दिक्कतें थी यहाँ पर शेयर में गिरावट थी। बट 900 रुपये से भी यहाँ पर 40 रुपीज़ का तो अपसाइड हो गया है, और लगभग 30% के इस अपसाइड आपको सीधे दिखाई दे रहे हैं। 1200 रुपये के लगभग ये शेयर आए ओके, इतने यहाँ पर आप बेच के निकल जाइए ओके। 3 से 6 महीने के अंदर अंदर ये रिटर्न मिल जाएंगे, और 6 महीने में अगर 30% के रिटर्न मिल जाते हैं, साल में 60% के रिटर्न होते हैं। 60% का मतलब पता है क्या है कि आपने 10 लाख रुपए इन्वेस्ट कर दिए, इस तरीके से 60% के हिसाब से चलेंगे तो आपको 100-150-200 करोड़-300 करोड़ रुपए होते हुए नजर आएंगे। तो इस चीज को देखते हुए आप अगर बिजनेस करेंगे ओके, ये ब्रेकआउट अभी नहीं आया, ब्रेकआउट तो यहां पर आएगा असली। बट यहां पर इसे भी क्यों छोड़ना है, जब हमें पता है कि भाई ये कंपनी बार बार इसी लेवल पर जाती है, फिर नीचे आती है, फिर इस लेवल पर जाती है, तो ये छोड़ने वाली चीजें नहीं है, पकड़ने वाली चीजें हैं। तो इस चीज को देखते हुए यहाँ देखिए बाकी बिजनेस यहाँ पर देखिए अच्छा खासा यहाँ पर वॉल्यूम नजर आ रहा है, कंपनी अच्छा खासा यहाँ पर मतलब लोग यहाँ पर खरीद रहे हैं शेयर को, क्योंकि बाइंग लेवल नीचे की तरफ है, चार्ट पैटर्न बनता हुआ नजर आ रहा है। और लॉन्ग टर्म का अगर बात करें तो लॉन्ग टर्म में भी कंपनी ने अच्छा खासा परफॉर्म किया है। तो बात है SCL टेक्नोलॉजी की, एक ब्रेकआउट स्टॉक है, अभी पकड़ेंगे तो अच्छा खासा रिटर्न मिलेगा, बाद में ब्रेकआउट होने पर पकड़ेंगे तो थोड़ा सा कम रिटर्न मिलेगा, रिटर्न तो मिल नहीं है। बाकी लार्ज कैप कंपनी निफ्टी 50 का स्टॉक है, टॉप 10 रिचेस्ट पर्सन में इनके ऑनर का नाम आता है, सब चीज़ इनके फेवर में। बाकी वीडियो अच्छी लगी हो लाइक कमेंट शेयर करिए, दूसरे लोगों को भी बताइए ताकि इस तरीके के पैसे और इस तरीके की नॉलेज वो भी कमा सके ओके। और बॉस ऑफ इंडिया शेयर बाजार को सब्सक्राइब करें, शेयर करें, हिट करें बेल आइकन को, और नीचे दी गई वीडियोस को भी जाके आप देख लीजिए। सो थैंक यू सो मच, गॉड ब्लेस।